टारगेटेड इन्फो के मौजूद दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के वो 6 रिकॉर्ड जो आज तक कोई न तोड़ सका। शहनशाह कवाली नुसरत फ़तेह अली ख़ान को तारीख का सबसे बड़ा कवाल माना जाता है। इन्होंने कवाली के 125 एल्बम रिकॉर्ड करवाए जो कि एक आलमी रिकॉर्ड है। ये आलमी रिकॉर्ड अब तक कोई नहीं तोड़ सका। किसी भी हादसे में इदी फाउंडेशन की एम्बुलेंस सबसे पहले पहुँचती है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इदी फाउंडेशन को दुनिया की सबसे बड़ी रजाकार सर्विस एम्बुलेंस करार दिया है। ये रिकॉर्ड इस वीडियो की अपलोडिंग डेट तक कायम है। सवात की मलाला यूसुफजई को दुनिया में सबसे कम उम्र में नोबल इनाम मिला। 2014 में जब इन्हें अमन के नोबल इनाम से नवाजा गया तो इनकी उम्र सिर्फ 17 साल थी। तालिबान के हमले में शदीद जख्मी होने वाली मलाला दुनिया भर में ख्वातीन की तालीम के लिए काम कर रही है। पाकिस्तान की अरफा करीम रंधावा ने सिर्फ 9 साल की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल का एजाज हासिल किया। इतनी कम उम्री में आज तक दुनिया भर में कोई शख्स ये रिकॉर्ड नहीं बना सका। अफसोस के इंसानियत का ये जहीन सरमाया लंबी उम्र ना पा सका। 2012 में जब वो सिर्फ 17 साल की थी मौत की वादी में जा सोई। इनकी अचानक मौत ने दुनिया भर में उनके मद्दाओं को गमजदा कर दिया। स्क्वाश की तारीख जहांगीर खान के बगैर अधूरी है। इस पाकिस्तानी सुपरस्टार को यह आलमी एजाज हासिल है कि इन्होंने वर्ल्ड स्क्वाश चैंपियनशिप मुसलसल 8 बार जीती। 5 साल तक स्क्वाश के मैदान में नाकाबिले शिकस्त रहे। इस अरसे में इन्होंने 555 मैच जीते और ये एजाज अब तक पाकिस्तान और जहांगीर खान से कोई नहीं छीन सका। रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर को कौन नहीं जानता। इन्हें क्रिकेट की तारीख की तेज तरीन गेंद फेंकने का एजाज हासिल है। इन्होंने वर्ल्ड कप 2003 में इंग्लैंड के खिलाफ 161.3 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी और ये रिकॉर्ड भी आज तक कोई नहीं तोड़ सका। अगर इस वीडियो ने आपकी मालूमात में इजाफा किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। फिर मिलेंगे दोस्तों अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।